अगर इस समर सीजन में आपके बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्बेंस हुआ है, दूध पिलाते ही वो उल्टी कर रहा है, वैसे ही आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में ठीक से नहीं लग रहा है और उसका जो मेमोरी है वो दिन में दिन बहुत ही कमज़ोर होती चली जा रही है, कुछ उसके दिमाग में घुस नहीं रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होते जा रहा है, तो डरिए नहीं, होम्योपैथी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी, आपका होम्योपैथिक मित्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम इथुजा साइनेपियम ये होम्योपैथिक रेमेडी देखने वाले हैं। ये रेमेडी चिल्ड्रन प्रैक्टिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इथुजा। ये जो बच्चे होते हैं इनमें बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है वो मेंटल एग्जॉशन के वजह से आता है। वो बेसिकली समर वेदर में आता है। वो बेसिकली अगर ईटिंग डिसऑर्डर होगा तो प्रॉब्लम आता है। वैसे ही डेंटिशन के दरमियान भी इनमें बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। ये जो बच्चे होते हैं इनमें ये तकलीफें डाइजेशन डिस्टर्बेंस की आती क्यों है? जब बच्चा रोता है तब माँ उसे कुछ ना कुछ तो खिलाती है, या अगर बच्चे छोटे हैं तो उसको ब्रेस्ट मिल्क देती है। जब बच्चा कुछ खाता है या पीता है तब ये जो डाइजेशन होने का प्रोसेस है इसमें करीब करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और फिर उसके बाद का जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो 1/2 घंटे का होता है। अगर इस दरमियान बच्चा किसी कारण रोने लगा तो माँ को ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है, और ये जो एंग्शियस मदर होती है फिर इसको फीड करती है, कुछ तो खिला देती है, जोर ज़बरदस्ती से खिला देती है, और फिर यही बैड प्रैक्टिस होती है जिसके वजह से इन बच्चे में डाइजेशन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ही फिर आप कुछ उसको खिलाते हैं या कुछ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो ये बच्चा इमीडिएटली वोमिटिंग कर देता है। अगर ये मिल्क कुछ देर इसके पेट में रहा तो फिर ये दही बनकर बाहर आ जाता है, और इसीलिए बहुत सारी माँ जब होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास आती है तो इनकी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा जब उल्टी कर देता है तो ये पूरी दही जैसी उल्टी हो जाती है। तो समझ लेना ये इथुजा रेमेडी का बच्चा हो सकता है। ये जो बच्चा होता है ये बहुत ही रोते रहता है, कभी भी समाधानी होता नहीं है, ऑलवेज डिसकंटेंटेड होता है, ऑलवेज एंग्शियस होता है, इसको हमेशा एक डर लगा हुआ होता है। उसके चेहरे से आपको पता चलेगा कि ये बच्चा हमेशा डरा हुआ नज़र आता है। अगर इसके कंस्टिट्यूशन में आप चले जाओगे तो ये बच्चे दिखने में थोड़े से बूढ़े टाइप दिखते हैं, इनका मुंह फूला हुआ लगता है, और वैसे ही इनका जो रंग होता है वो बहुत ही फीका कलर होता है। बहुत सारे ये जो बच्चे होते हैं ये मेंटली एज वेल एज फिजिकली इनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, इसीलिए डेवलपमेंट प्रोसेस में इनमें बहुत ही अड़चनें आ जाती है, माइलस्टोन कभी कभी डिले हो जाते हैं। ऐसे ये जो बच्चे नॉर्मली बच्चे इमीडिएटली जैसे पैदा हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अपनी गर्दन वो ठीक से संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं अपने सिर का वजन भी ठीक से सहन नहीं कर पाते, बेयर नहीं कर पाते, ठीक से खड़े हो नहीं पाते, अपने पूरे शरीर का वजन भी ये अपने पैरों पे उठा नहीं सकते, इसीलिए ये चलना भी बहुत लेट सीखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनमें ये डाइजेशन प्रॉब्लम हमने देखा कि एक इम्प्रॉपर फेड की वजह से हो जाता है। वैसे ही जब ये ओवर एग्जर्शन कर लेते हैं अपने माइंड का तब इनमें डाइजेशन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद एक डलनेस आ जाता है, बहुत ओवर स्टडी करने के बाद एक डलनेस आ जाता है, इनका जो ब्रेन होता है वो थक जाता है, प्रोस्ट्रेशन आ जाता है, एक वीकनेस आ जाता है, फिर उसके बाद जब ये कुछ पढ़ने बैठते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं या कुछ स्टडी के लिए बैठते हैं तब इनका ध्यान लगता नहीं है। जैसे ये स्टडी के लिए बैठे एक डलनेस आ जाता है, एक वीकनेस आ जाता है। इनकी माँ हमें आके बताती है कि ये हमारे बच्चे पहले स्टडी में बहुत अच्छे थे लेकिन आजकल इनका ध्यान लगता नहीं है, जैसे स्टडी में बैठ जाते हैं सो जाते हैं। हम कहते हैं कि तू अच्छी सी नींद कर ले और फिर उसके बाद तू पढ़ाई कर तो तेरा ध्यान अच्छा लगेगा, लेकिन
जब ये वापस अच्छी नींद लेने के बावजूद भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो फिर इमीडिएटली इनको डलनेस आ जाता है। ऐसी जो अगर तकलीफ है, इसकी भी एक कॉमन दवा है, वही इथोजासाइनेपियम है। ये जो बच्चे हमेशा एक फुलिश बिहेवियर नज़र आते हैं, लेकिन फुलिश बिहेवियर अल्टरनेटिव विद इरिटेबिलिटी भी होती है, वैसे ही ये इडियोटिक भी नज़र आते हैं, बहुत पागलपन जैसे बिहेवियर इनमें नज़र आता है। और वैसे ही जब ये ऐसे बिहेव करने के बाद इमीडिएटली अगले क्षण में इनको गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे जो बच्चे जो बहुत ही कॉवर्डाइज होते हैं, ऐसे जो बच्चे जो बहुत टिमिड होते हैं, ऐसे बच्चे जो लोगों के सामने आने से बहुत कतराते हैं, स्टेज फियर से कतराते हैं, पब्लिक में बात करने से कतराते हैं, ऐसे बच्चे भी इथोजासाइनेपियम हो सकते हैं। टिमिडिटी इन चिल्ड्रन अपियरिंग इन पब्लिक। वैसे ही जब ये स्पीच करते हैं तो स्पीच स्लो होता है, स्पीच एकदम एम्बेरस होता है, डर डर के शर्मा शर्मा के वो बात करते हैं, और बात करते समय बहुत ही स्लो बात करते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं। कुछ काम करने को बोले तो इनसे ठीक से काम होता नहीं है। समझो हमने उनसे कहा कि ये पानी का ग्लास है, ये मुझे थोड़ा दे दे, तो ये पानी का ग्लास ठीक से नहीं देंगे तो वो पानी का ग्लास इनके हाथ से नीचे गिर जाएगा, तो इतने ये ऑकवर्ड होते हैं। वैसे ये जो चिल्ड्रन होते हैं, ये और स्टडी करने के बाद जब ये कुछ पढ़ नहीं पाते तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। इनमें डर होता है कि मैं जो कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ वो ठीक से मुझे याद रहेगा कि नहीं, मैं पढ़ाई जो कर रहा हूँ वो मुझे जब मैं परीक्षा लिखूँगा तब मुझे सब याद आएगा कि नहीं। ये जो एंटिसिपेशन फियर हो जाता है, इसके वजह से इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगता है। फिर फेलियर, फियर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन इन एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, एंजाइटी एंटिसिपेशन विद, और वैसे ही इसके बाद इनको डायरिया की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है इस फियर की वजह से। बहुत सारे बच्चों में इस कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनका जो इंटेस्टिनल मोशन होता है, जो एक्शन होता है, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। इनके जो बॉवल्स मूवमेंट होने चाहिए वो ठीक से होते नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट हो जाता है। ठीक से कुछ बाहर आना है, ठीक से कुछ स्टूल पास होने हैं, वो भी होते नहीं है। ये बहुत ही रिजर्व होते हैं, जो कुछ बोलना है वो मन से कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक से ओपन होते ही नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली से बहुत इनका लगाव होता है, लव फैमिली फॉर, एंजाइटी फैमिली अबाउट। वैसे ही दूसरों के प्रति जो इनके अच्छे दोस्त है या इनके जो अच्छे पर्सन है, जो लोग हैं जिन्हें ये प्यार करते हैं बहुत, ऐसे लोगों के बारे में भी इनके मन में बहुत चिंता लगी रहती है, एंजाइटी अदर्स फॉर लव पर्सन फॉर। और ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करते रहते हैं। इनकी माँ जब हमारे पास आती है तब हम इनका स्वभाव पूछते हैं तो माँ कहती है वैसे तो ये बहुत अच्छे है, घर का बहुत सारा काम भी कर लेते, मेरा जो किचन का काम है उसमें भी ये हाथ बटाते हैं। वैसे हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं अगर वो बीमार पड़ जाए तो ये ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं, इनको ऐसे लगता है कि शायद ये मर ना जाए, और इसी डर की वजह से ये हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। रेस्टलेसनेस इन चिल्ड्रन। वैसे ये बहुत इम्पेशेंस भी होते हैं, एक जगह बैठते ही नहीं है, जब एक जगह बैठने की नौबत आती है तो ये बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी सेटिंग आइडल व्हेन, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। वैसे ही जब ये वोमिटिंग कर देते हैं तो इनको वापस भूख लगती है और फिर ये रोने लगते हैं। वैसे ही स्लीपीनेस बाय डे स्टूल आफ्टर। तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं बहुत बार इनका और माँ का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये जो इमोशंस होते हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करते नहीं है, इमोशंस सप्रेस, और फिर इनको अपने इमोशंस अपने फीलिंग बांटने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, और फिर इसकी वजह से ये जो लड़के होते हैं या ये जो बच्चे होते हैं उनके घर में आपको पेट नज़र आएंगे और वो ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से
पेट के लिए हट करते हैं कि मुझे वो ला के दो, क्योंकि अपनी जो फीलिंग होती है वो उनके साथ वो शेयर करते हैं। इसीलिए ये एनिमल्स के प्रति बहुत ही सिंपथेटिक होते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। ऐसे अगर चाइल्ड है तो ये भी इथुजा साइनेपियम हो सकते हैं। ये बच्चों को ज़्यादा मीठा पसंद होता नहीं है, वैसे ही इनको फल पसंद होते नहीं है, तो इनको गेहूं से या जो वीट से बनी हुई चीज़ें हैं या नमक से बनी हुई चीज़ें ये बहुत पसंद करते हैं। इनको पनीर बहुत ही अच्छा लगता है, अगर पनीर की सब्जी बनाए तो ये उस दिन बहुत आनंदी होते हैं। वैसे ये हॉट चिल्ड्रन होते हैं, यानी हॉट प्रकृति वाले होते हैं, और वैसे ही ये जो चिल्ड्रन होते हैं, जब इनको समर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, यानी समर चल रहा है, नाइट भी बहुत ही हॉट है, और ऐसे में ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर इनको ये सब डाइजेशन की तकलीफें आना स्टार्ट हो जाते हैं। कन्वर्जेंस के लिए भी इथुजा साइनेपियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। जब कन्वर्जेंस आते हैं तब इनका हाथ पैर शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, पसीना आ जाता है, जैसे कि ये डेड हो गए हैं। इसके लिए भी इथुजा साइनेपियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। तो जब मेंटल एग्जर्शन समर के वजह से या ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो कुछ पढ़ रहा है वो ध्यान में नहीं आ रहा है, पढ़ने बैठो तो इमीडिएटली वो डल हो जाता है या नींद आने लगती है, ऐसे कुछ कंप्लेंट है, तो थिंक अबाउट इथुजा। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।